अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इजी यानी बिल्कुल आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चिकन। चलिए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने लिए हैं 750 ग्राम चिकन, इसे अच्छी तरह साफ़ करके धुल ली हूँ। अब इसे हम मेरीनेट कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, पौना छोटा चम्मच नमक डालें और एक बड़े चम्मच भरकर लेमन जूस डालें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसे रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल्स तेल डालें। 3 मीडियम साइज के प्याज हमने इस तरह बारीक कट कर लिए हैं। तेल गरम हो गया है, 2 दालचीनी का टुकड़ा डालें, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालें, 10-12 कड़ी पत्ता डालें, कुछ सेकंड इसे भूनें। अब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, प्याज डालें और इसे फ्राई करें, बिल्कुल गोल्डन न फ्राई करें। आधा छोटा चम्मच नमक डालें। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी मुलायम होकर गलने लगता है। अब इस स्टेज पर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह चलाएं। इसमें 1 बड़े चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और इसे चलाते हुए चिकन को भूनें। आंच मीडियम रखें। चिकन अब अच्छी तरह भुना गया है, पानी भी सूख गया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी डालें, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालें, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालें। इसे चलाएं। आंच मीडियम रखें और 5 मिनट के लिए कवर करके पकने दें। 5 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। अब बगैर कवर किए इसे अच्छी तरह भूनें। अब बीच से कटे हुए 3 हरी मिर्च डालें। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो न डालें। अच्छी तरह भूनें। अब चिकन बिल्कुल अच्छी तरह भुना गया है, तेल मसाले सब कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर 1 कप पानी डालें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें और चलाकर ढक दें। अब इसे 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दें। 15 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। अब कटे हुए धनिया की पत्ती डालें, 2 मिनट और पकाएं। अगर आप चाहें तो मैरिनेट किया हुआ चिकन पहले हाफ फ्राई कर लें, इसके बाद प्याज फ्राई करें, मसाला भूनकर चिकन डालें। जैसे आपको आसानी लगे आप बनाएं, खाएं और खुश रहें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चिकन से, आप ज़रूर ट्राई करें। अब गैस बंद कर दें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।